हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार इज लर्निंग सो इन टूडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्रेशनिजम एंड इम्प्रेशनिज्म सो लेट्स प्रोसीड सो जब हम इम्प्रेशनिजम की बात करते हैं एज अ लिटरेरी मूवमेंट ये इमर्ज हुई थी लेट नाइनटीन सेंचुरी एंड एट द बिगिनिंग ऑफ ट्वेंटियथ सेंचुरी ठीक है अब इम्प्रेशनिज्म को जो है ये इम्प्रेशनिस्ट जो है हम अप्लाई कर, कर सकते हैं ये टर्म अप्लाई कर सकते हैं टू अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट जो कि एटीन जो ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट जो कि पर्टिकुलरली पेंटर्स है एटीन के अंदर फ्रांस के अंदर उनको हम कह सकते कह सकते हैं बिकॉज उस टाइम उन्होंने क्लेम किया कि अब वो जो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स हैं लाइक मैथोलॉजीज को पेंट करना हिस्ट्री को पेंट करना है ग्रेट मैन को पेंट करना अब वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है अब वो उस तरह पेंट करेंगे जिस तरह से वो एक पर्टिकुलर चीज़ को देखते हैं उसके बारे में महसूस करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं अब उस टाइम जो फ्रांस की गवर्नमेंट ने जो कॉम्पिटिशन वगैरह अरेंज करवाती थी उन्होंने उस चीज़ से भी आ, आ, बैक स्टेप किया स्टेप बैक किया एंड उस टाइम उन्होंने ये उस टाइम जो आ, जो पब्लिक थी वो उनके अगेंस्ट हुई लेकिन आप कह सकते हैं इट वाज द इमरजेंस ऑफ मॉडर्न आर्ट ठीक है सो so ये जो टर्म थी इम्प्रेशनिज़म ये कॉइन की थी द क्रिटिक लॉयस लिरोय Um, अब हम बात करते हैं इसकी लिटरेचर के अंदर इम्प्रेशनिज़म की ठीक है राइटर्स लाइक जोसेफ कॉन्ड हैं हेनरी जेम्स हैं जेम जॉयस हैं उन्होंने जो फ्रांस की ये जो फ़िलासफी थी इम्प्रेशनिस्ट फिलासफी थी उसी को उसी चीज़ को कंटिन्यू किया उस चीज़ को अप्लाई किया लिटरेचर के अंदर राइटिंग्स के अंदर uh, अपनी नॉवल्स के अंदर पोइट्री के अंदर सो so, हम कह सकते हैं कि इंप्रेशनिज़म जो है एक ऐसा राइटिंग स्टाइल है जो कि फोकस करता है ऑन द मेंटल स्टेट ऑफ द करेक्टर्स ठीक है इंप्रेशनिज्म जो है एक ऐसा राइटिंग स्टाइल है जो कि फोकस कर रहा है मेंटल स्टेट ऑफ द करेक्टर के करेक्टर जो है वो क्या फील करते हैं उनकी क्या फीलिंग्स है उनके क्या इमोशंस हैं आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये नरेशन है करेक्टर्स की फीलिंग की करेक्टर की सेंसेशन की करेक्टर्स के सेंटीमेंट्स की इमोशंस की ठीक है और हम ये भी कह सकते हैं दैट द इफेक्ट्स ऑफ थिंग्स और इवेंट्स ऑन द माइंड ऑफ द आर्टिस्ट के चीज़ों का इफेक्ट हो गया कुछ सर्कमस्टांसिस का इफेक्ट हो गया या कुछ इवेंट्स का इफेक्ट आर्टिस्ट के ऊपर और फिर फिर जो इफेक्ट है या, या ये जो इफेक्ट है उसकी इन्फ्लुएंस को लेके वो जिस चीज़ को लिखता है या जो चीज़ एक्सप्रेस करता है उसको हम कहेंगे इम्प्रेशनिस्टिक अप्रोच ठीक है लाइक वर्ड दे साथ जब किसी पर्टिकुलर चीज को उन्होंने देखा उसके बारे में उन्होंने उसको कैसे देखा या क्या देखा उसके बारे में उन उनकी उस चीज़ के बारे में क्या राय है क्या थॉट है क्या महसूस किया जब उसको वो एक्सप्रेस करेंगे उसको हम कहेंगे इम्प्रेशनिज्म ठीक है आप कह सकते हो ये फोकस करता है मेंटल स्टेट के ऊपर साइकोलॉजिकल रियलिटीज के ऊपर फोकस करता है अब ये नरेशन है कैरेक्टर्स की फीलिंग्स की सेंसेशन की इमोशंस की या फिर इफेक्ट्स ऑफ थिंग्स एंड इवेंट्स ऑन द ऑन द माइंड ऑफ द आर्टिस्ट और फिर उसी इन्फ्लुएंस के साथ उसी इफेक्ट के इन्फ्लुएंस के साथ वो अटेम्प्ट करे कुछ अपने एक्सप्रेशन को अपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की ठीक है उसको हम कहेंगे इंप्रेशनिज्म जी सो द गोल ऑफ इम्प्रेशनिज्म लिटरेचर वॉज टू मेक रीडर फील एज देवर इन द सीन मतलब इनका जो इम्प्रेशनिज्म है जो इम्प्रेशनिस्टिक राइटिंग्स है उनका जो है ये गोल होता है कि जब रीडर उस चीज़ को पढ़े तो वो उस चीज़ को फील कर सके क्योंकि उसमें क्या है इमोशन्स uh, का एक्सप्रेशन है ठीक है एक इम्प्रेशन क्रिएट हो सके जब रीडर उसको रीड करे तो उसके ऊपर एक इम्प्रेशन क्रिएट हो सके और इट ऑल्सो लीवस द डिटेल्स वेग एंड फोर्सिज द रीडर टू रीड बिटवीन द लाइन्स अब इसमें यह क्या होता है कि कुछ कहीं कहीं पर यह इम्बिग्विटी रखते हैं या कुछ डिटेल्स को वेग रख देते हैं ठीक है उसका क्या परपज़ होता है ताकि रीडर जो है वो इंटरप्रेट कर सके डेट द रीडर फोर्स द रीडर टू रीड बिटवीन द लाइन्स ताकि उस चीज़ को वो इंटरप्रेट कर सके ठीक है अगर आपने मिसेस डॉलवे पढ़ाओ वर्जीनिया वुल्फ का उसमें भी हमें नरेशन ऑफ इमोशंस नज़र आता है इसी तरह से अगर हार्ट ऑफ डार्कनेस देखें तो उस उसमें भी हमें जो है जोसेफ कॉन्ड का जो है इसके अंदर भी हमें मेंटल uh, स्टेट uh, हम देखते हैं करेक्टर की मार्लो की इसी तरह से अगर हम इसके एंडिंग के वर्ड देखें हॉरर हॉरर अब हॉरर हॉरर का जो है वो हमारे पास कोई भी क्लियर डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है वहाँ पर वहाँ पर नॉवल के अंदर ठीक है तो उसने तो इम्प्रेशनिस्टिक uh, राइटिंग क्या होती है कि डिटेल थोड़ी सी वेक छोड़ देती है और रीडर्स को फोर्स

सो so, एक्सप्रेशनिज्म जो है ये भी एक लिटरेरी uh, मूवमेंट है इज बेस्ट नॉन फॉर इट्स इम्फोसिस ऑन द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसिस एंड द डिस्प्ले ऑफ इमोशंस रदर देन ऑब्जेक्टिव रियलिटी अगेन इसमें क्या बात है कि इसमें सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पर फोकस है और डिस्प्ले ऑफ इमोशंस है अगेन डिस्प्ले ऑफ इमोशंस है ठीक है और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस है रदर देन ऑब्जेक्टिव रियलिटी लाइक की जैसी चीज़ सामने नजर आती है उस पर फोकस ना किया जाए उस चीज़ के पीछे की थॉट क्या है ठीक है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या है सब्जेक्टिविटी क्या है उस पर फोकस किया जाता है ठीक है अकॉर्डिंग टू मार्टिन ग्रे हमारे पास एक्सप्रेशनिज्म क्या है वो कहते हैं कि अ यूरोपियन आर्टिस्टिक मूवमेंट विच स्टार्टीन हंड्रेड इन जर्मनी एक्सप्रेशनिज्म अ रिवोल्ट अगेंस्ट रियलिज्म ये अगेंस्ट ही रियलिज्म क्या होता है रियलिज्म ये होता है कि चीजें जैसी हैं जिस तरह से सामने से नजर आती है उसको वैसे ही एक्सप्लेन किया जाए स्ट्रेट फॉरवर्ड हो उस तरह से एक्सप्लेन किया जाए लेकिन एक्सप्रेशनिज्म क्या था कि उस चीज के पीछे की थॉट क्या है उस चीज के पीछे क्या है ठीक है उसको भी जो है एक्सप्लेन किया जाए इट शोज द रियलिटी इन अ डिस्टॉर्टेड वे बाय एन एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड इवन बाय मैडनेस सो ये रियलिटी को शो करता है या डिस्टॉर्टेड एक डिस्टॉर्टेड वे के अंदर या फिर वो एक एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड हो या इवन मैडनेस के अंदर सो रियलिटी को डिस्टोर्टेड वे के अंदर जो है ना वो प्रेजेंट किया जाता है ठीक है देन जी अगर हम एक्सप्रेशनिज्म की लिटरेचर के अंदर बात करें तो इसमें हमारे पास इन्जाइटी के थीम्स इंक्लूड हो सकते हैं लाइनेशन के थीम्स इंक्लूड हो सकते हैं प्रेसन इंसैनिटी इस तरह के जो है वो थीम्स इंक्लूड होते हैं और अब इन थीम्स को क्या किया जाता है ज़्यादा एग्जेजरेट किया जाता है डिस्टॉर्टेड वे के अंदर जो है ना उसको प्रेजेंट किया जाता है स्ट्रॉग फीलिंग्स आके इमर्ज हों ठीक है रीडर्स के अंदर स्ट्रॉग फीलिंग्स जब वो इमर्ज हों अब जो राइटर्स होते हैं इस तरह इस, इस तरह से चीज़ों को बयान करने के लिए वो अनयूजल पंक्चुएशन यूज कर सकते हैं अपना स्टाइल अनयूजअल पंक्चुएशन के थ्रू अपना रिप्रेजेंट कर, कर सकते हैं स्ट्रॉग इमोशंस को कुछ अनकन्वेंशनल इमेजरी यूज़ कर सकते हैं अनकन्वेंशनल मेटाफर्स यूज कर सकते हैं फ्रेगमेंटेशन की टेक्निक यूज कर सकते हैं ठीक है सो दे वर मोर इंटरेस्टेड इन वर्ट रियलिटी द माइंड क्रिएटेड अब वो किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि माइंड जो है वो रियलिटी माइंड क्या रियलिटी क्रिएट कर, कर, करता है राधर देन वट वॉज इन फ्रंट ऑफ देर आईज़ आपकी आंखों के सामने जो चीज है उस पर नहीं फोकस करना आपका माइंड क्या रियलिटी क्रिएट कर रहा है उस पर वो फोकस कर रहे थे उसमें इंटरेस्टेड थे कह सकते हैं कि इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट मटेरियलिज्म मटेरियलिज्म ये होता है कि जो दुनियावी चीजें उनको ज्यादा वैल्यू किया जाए स्पिरिचुअल वैल्यूज जो है उनको इग्नोर किया जाए मटेरियल को गुड्स को ठीक है इन इन पोजेशन को जो है ना या फिजिकल कम्फर्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए रदर देन स्पिरिचुअल वैल्यूज ठीक है ये इसके अगेंस्ट एक रिएक्शन था इसके अलावा जो रियलिज्म मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि जो आ, ये रियलिज्म में क्या होता है कि चीज़ों

एक इंप्रेशन या आप कह लें कि एक किसी भी सब्जेक्ट को देखे किसी भी इवेंट को देखे एक मोमेंट्री जो इफेक्ट होता है उसको इम्प्रेशनिज्म कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक फॉर uh, एग्ज़ाम्पल uh, आपने किसी एक सीन को देखा है ठीक है अब उस सीन को देखे एक मोमेंट्री इफेक्ट आपके ऊपर आया आपने उसको देखा आपने क्या फ़ील किया आपने क्या सोचा इस बारे में और आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया उसको कहेंगे इंप्रेशनिज़म ठीक है लेकिन एक्सप्रेशनिज्म क्या होता है एक्सप्रेशनिज्म के अंदर एक्जेजिशन बहुत ज्यादा है डिस्ट्रॉटेड इमोशंस है इसके अंदर हम लोग इसमें एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस को डिस्ट्रॉटेड वे के अंदर uh, बहुत एक्जेजरेट करके ठीक है एक अनकन्वेंशनल वे के अंदर इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है ठीक है अब इसमें जो है इमोशंस जो है वो अटैच हैं रियलिटीज के साथ साइकोलॉजिकल रियलिटीज के साथ अब इसमें क्या किया है कि इमोशंस को ऑल दो इसमें भी इमोशंस जो है उसके अंदर इनर रियलिटीज को भी देखा जाता है साइकोलॉजिकल रियलिटीज को भी देखा जाता है लेकिन इसमें इमोशंस को अराइज किया जाता है इसमें इमोशंस को हाईटेंड किया जाता है क्योंकि एग्जेजिनेशन है तो इमोशंस जो है वो हाईटेड होते हैं ठीक है देन इसमें अगर आप पेंटिंग्स की बात करें तो इसमें पेंटिंग जो थी वो वर्ल्ड फुल ऑफ वाइब्रेंट कलर्स होते हैं लाइट कलर्स यूज किए जाते हैं ठीक है मोमेंट्री है इसके अंदर चीजें लेकिन एक्सप्रेशनिज्म के अंदर क्या है इसमें स्ट्रॉन्ग है इंटेंस कलर्स हैं Uh, uh, जो है वो पेंटिंग्स के लिए यूज होते हैं ठीक है बोल्ड जो है वो यूज होते हैं कलर पेंटिंग्स के लिए कह सकते हैं कि इंप्रेशनिज्म क्या होता है कि इंप्रेशनिज्म थोड़ा सा लाइट है ठीक है इसमें मोमेंट्री इफेक्ट है इस ये जो है वो रिलेटिव के साथ अटैच्ड है एक्सप्रेशनिज्म uh, जो है वो आपके पास uh, इसके अंदर हमारे पास एग्जेजन ज्यादा है इसके अंदर जो है इमोशंस को हाइटन किया जाता है इसमें इंटेंस कलर्स हैं या इंटेंसिटी ज्यादा है इस चीज के अंदर ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट थैंक यू सो मच